स्टूडेंट, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप न्यूमेरिकल अगर लगाने बैठते हैं तो आपको 10 की पावर जो होती है वो बहुत ही प्रॉब्लम करती है, और जो जिसको आता है उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी तरीके से कर देते हैं। बट यहाँ पर जो नए बच्चे हैं या जो कभी जिसको भी आज तक इनसे मुलाकात नहीं हुई है, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। वैसे भी इसकी वीडियोज हम चैनल पर डाल चुके हैं, न्यूमेरिकल्स के कैलकुलेशन की वीडियोज हमारे चैनल पर ही सबसे ज़्यादा पड़ी हुई है, पूरी यूट्यूब पर आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। अगर आप न्यूमेरिकल्स रिलेटेड कैलकुलेशन की अगर आप सर्च करेंगे ना तो मेरा चैनल का वीडियोज आपको मिलेगी। इसमें कि एक भी पार्ट मैंने नहीं छोड़ा, जो चीज़ें आप सोचते हैं मन में कि ये कैसे होता है उसकी भी वीडियोज पड़ी हुई है। बस आपको प्लेलिस्ट चेक करना है, 3-4 प्लेलिस्ट हैं, उनको आपको चेक करना है। आपको न्यूमेरिकल ट्रिक सॉल्यूशन एंड बेसिक मैथ्स एडवांस और 2-3 प्लेलिस्ट है, अपने इच्छा अनुसार चेक करिएगा 12th फिजिक्स, तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी बहुत ईजी तरीके से। यहाँ पर तो केवल आज हम सिखाएंगे कि 10 की घात को ही आज हम केवल सिखाएंगे, और हम बहुत सारी संख्याओं के साथ इसका जो खेला होता है उसको हम नहीं सिखाएंगे, वो अलग चीज़ हो जाता है। मैं यहाँ पर केवल 10 की पावर को ही आज हम थोड़ा सा आपके लिए बेसिक चीज़ें बता देता हूँ इनसे जुड़ी हुई चीज़ें, क्योंकि आपको बहुत बार परेशान किया और आपका एग्जाम अभी आपका अभी क्लास अगला नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। अगर 11th में थे तो 12th में जाएंगे, और अगर आप 10th में थे तो 11th में जाएंगे, या 11th में करंट में हैं। तो इस तरीके से आप देखिएगा, आज आपको समझ में आएगा, अच्छी चीज़ें हैं, मज़ा आने वाली चीज़ें हैं। जैसे अगर आपको देखिए ये 10 की पावर, अब रही बात पावर की बात है, मतलब घात की बात है, जब घात की चर्चा आती है तो हम घात की वीडियोज़ बनाई हुई हैं, आप घात की वीडियोज़ को देख सकते हैं, जब चैनल पर जाइए और घात की वीडियोज़ को देख लीजिए। जैसे घात की वीडियोज़ को आपको देखने के लिए आपको समझा दीजिए, जैसे यहाँ पर 2 है और 2 को मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ, देखिए 1, 2, 3, 4 कितनी बार गुणा है, 4 बार। तो बस इसी को हम क्या करते हैं, इसको हम 2 की घात 4 लिख सकते हैं, मतलब ये घात के रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है 4 टाइम्स आया हुआ है, बस उसी चीज़ को हम समझते हैं। अगर यहाँ पर मैं लिखता 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो देखिए इसको क्या लिखते हैं, 1, 2, 3 बार है, मतलब 5 हमारा 3 टाइम्स है, 5 की घात 3 है। और इसी तरीके से सेम अगर हम लिख दूँ यहाँ पर 7 गुणा 7, तो इसको क्या लिखेंगे, 7 की घात 2। बात समझ में? तो यही चीज़ें हैं। अगर कभी आपको मिलता है कि 10 की घात 10 गुणा 10 की घात 10, तो आप क्या लिखेंगे, 10 घात 3 लिखेंगे। बात समझ में? और अगर इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाए 10 की घात 10 की घात 10 की घात 10 की घात 10, ये चीज़ें, तो इसको भी बोलेंगे जितनी बार उतना लिख दो, हमारा 5 बार है तो मैं इसको 5 बार लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इस पावर का मतलब यही हुआ कि इतनी बार 10 का गुणा। और अगर आप इतनी बार 10 का गुणा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इन सब का गुणा करते 7 से 7 हमारा 49 होता, लेकिन ये करते 5 5 25 5 125 होता, और अगर ये करते तो 2 2 4 2 8 2 16 ये 16 होता, इसको करेंगे तो देखिए 10 100 100 1000 होता, और इसको करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 0 है, मतलब 1 लगाकर 5 0। अब बताइए इसको गुणा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसको गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जितने 0 थे उतने 0 बढ़ा दिए, 1 था 1 हमने लगा दिया। तो 10 की घात में यही फ़र्क होता है कि इसमें आपको किसी चीज़ का गुणा करने की ज़रूरत नहीं, आप जितनी पावर लग रही है इसका मतलब उतना जीरो उसमें है। तो ये 10 की घात की चीज़ें हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर दिक्कत कर जाता है, अगर देखता है वो यहाँ पर 10 की घात -3 है, क्या है, -3, तो दिक्कत उसे नहीं होना चाहिए। माइनस का मतलब ये कह रहा है कि इसको आप नीचे लेके चले जाइए, 1 लगाकर के आप नीचे लेके चले जाइए, सीधी बात, यानी वो अपनी जगह को उसको हट जगह उसका चेंज कर दीजिए, अंश में हो तो हर में कर दीजिए, हर में हो तो अंश में कर दीजिए, कहीं भी आप कर दीजिए एक जगह, तो आपका वो चेंज करेंगे जगह तो उसका चिन्ह जो है बदल जाएगा। यहाँ पर ये माइनस में था और जैसे ही मैंने इसको ऊपर से नीचे कर दिया तो ये प्लस में हो गया। अब प्रोसेस वही है कि अगर हम इसको चाहेंगे तो 1 के बाटा में 1 10 की घात 3, मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत, तो 1 बटा यहाँ पर 1 2 3 1 2 3, मतलब ये होता, ठीक। तो ये चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए, बेसिक चीज़ें यही है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। माइनस का मतलब भी समझ गए, नीचे है तो उसको ऊपर लिख दो, ऊपर है तो उसको नीचे लिख दो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। अब कहीं कहीं पर ये क्या होता है, पावर जो होती हैं साथ में दो तीन पावर चलती हैं, ठीक। तो उसके लिए आपको एक बार दिमाग में बैठाना है, कुछ फार्मूले हैं, जैसे यहाँ पर ए है, ए की पावर एम है और ए की पावर एन है, तो जो ए की पावर एम और ये दोनों सेम ही है तो इसको आपको एम प्लस एन ये कर देना है, ये एक फार्मूला हो जाता है।
और दूसरे फार्मूले की चर्चा करें तो ए की पावर एम और भागे ए की पावर एन है, तो ये हो जाता है ए की पावर एम माइनस एन हो जाता है। ठीक, इन दोनों को आपको समझना है, इन दोनों को आपको समझना है। अगर आपकी बात समझ में आ जा रही है तो सेम इसी तरीके से तीसरा फार्मूला था ए की पावर माइनस एन है, तो इसका मतलब एक बटा ए की पावर एन है। ठीक, तो ये तीन चीज़ें आपको पता, बस आपको कुछ करने का पता, मतलब यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि अगर आपका जिस पे घात लगी वो वही चीज़ हो, मतलब वही चीज़ हो जिसकी, जो देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, वही हो तो घात कुछ भी हो तो वो दोनों घातें जुड़ जाएंगी, अगर वो भाग में है तो दोनों घातें घट जाएंगी, अगर वो निगेटिव में है तो वो नीचे चला जाएगा। ये चीज़ें समझना है। यहाँ पर अगर हम बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो 10 की घात अगर हम देखें यहाँ पर 2 है और गुणा 10 की घात यहाँ पर 3 है। ठीक, तो इसको आपको कॉन्सेप्ट द्वारा करना है। हम समझ रहे हैं कि इसमें जो आधार है जिस पर घात लगा हुआ है वो वही है, मतलब 10 उसमें भी है 10 उसमें भी है, तो 10 10 सभी में है और 10 10 सभी में है, तो इसका मतलब कि ये है कि वही चीज़ है। तो हम क्या करेंगे, 10 को 10 ही लिखेंगे, ये 2 और 3 को जोड़ लेंगे, 2 और 3 को हम जोड़ लेंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा 10 की घात हमारा 5 हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक, सेम इसी तरीके से अगर हम दूसरी सवाल करें कि 10 गुणा 10 गुणा 10, यहाँ पर 2 हो, यहाँ पर 3 हो, यहाँ पर 5 हो, अब इसको अब वही करना हो आपको तो भी अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 10 की पावर सेम है तो 10 की 10 लिखो, और जब गुणा में रहे तो बोला है कि जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 2 लिखिए प्लस 3 लिखिए प्लस 5 लिखिए, और जोड़ने के बाद यहाँ पर लिखिए 2 3 5 5 10, 10 की घात 10 हो गई। ये बात समझ में आ गई? ठीक, अब यहाँ पर दिक्कत कुछ लोगों को होगी कि सर इसमें निगेटिव में बीच में एक आध 2 रहे दो, तब भी करते हैं कुछ इस तरीके से, 10 की पावर माइनस 5 गुणा 10 की पावर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 1, ऐसे हैं तब कैसे कर दे, कुछ नहीं, पहले तो आप देखिए कौन कौन सी एक शक्ल के हैं, ये 5 वाला एक वाला एक ही शक्ल के हैं और ये 2 वाला अलग शक्ल का है, तो इन दोनों को हम एक में कर देंगे और इनको हम एक में कर देंगे। ठीक, और जोड़ना सभी को है, जोड़ना सभी को है, कैसे देखिए 10 की पावर तो सभी है, 10 की पावर हमने सभी किया, तो पहले क्या लिखा है उसको करिए, माइनस 5 बीच में कौन सा चीज़ लगाना है जब गुणा में है तो प्लस लगाना है, तो प्लस 2, फिर यहाँ पर है 10 घात 1, अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे फिर माइनस 1 है, माइनस 1 है, दिमाग लगाइए, देखिए ये चीज़ था, पहले एक बार मेंटल में समझ लीजिए, ये माइनस 5 था, मैंने माइनस 5 लिखा, फिर जोड़िए 2 को 2 को जोड़ा, फिर माइनस 1 को जोड़िए, मैंने बात यह है ये माइनस में, ये माइनस में है, तो माइनस में है तो उसका चिन्ह तो आपका माइनस ही रहेगा, मतलब 10 की घात माइनस 5 ये और प्लस 2 ये माइनस 1 ये बन जाएगा इस तरीके से। और इसको जब हम करेंगे 10 घात 5 और 1 ये दोनों एक ही चीज़ है, 5 एक 6 होगा और 6 में से 2 घट जाएगा तो बचेगा 4 माइनस में, कितने बचेगा माइनस 4 बचेगा, वैसे भी कर सकते हैं माइनस 5 में से 2 घटाइए तो यहाँ पर आएगा माइनस 3 और माइनस 1 फिर रहेगा तो माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो जाएगा, तो जोड़ घटाना तो आना चाहिए, वो सारी बेसिक चीज़ें हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं। अगर मैं यहीं पर इस तरीके से लिखूं 10 घात 4 गुणा 10 घात 5, ठीक, तो अब यहाँ पर काम क्या करना है कि आपका 10 की घात यहाँ पर माइनस 2 लगा, एक ही बार हो, कुछ नहीं करना है, अब इसको आप फर्राटेस करना है कि 10 की घात 4 5 2, 4 5 ये जुड़ेंगे और ये वाला घटेगा, तो हमें पता है कि 4 5 9 होगा, 9 में से 2 घट जाएगा तो हमारा 7 बजेगा, मतलब आंसर ये आ जाएगा, कुछ इस तरीके से करना होगा आपको। अब यहाँ पर 5 ही करते हैं सवाल एक, इसमें हमें कैसे करना है कि हमें जैसे लिखा हुआ है 10 की घात 7 और आपका बटा 10 की घात 2 ऐसा लिखा है, तब आपको दिमाग बैठाना होना चाहिए कि ये आपका भाग है, ये क्या है भाग है, तो जब भाग है तो इसको आप इस तरीके से करेंगे 10 घात 7 भागे 10 घात 2, ये दोनों एक ही चीज़ है, ये दोनों सेम ही चीज़ है, जब भाग इस तरीके से मिले तो इस तरीके से मिले तो दो एक ही चीज़ होते हैं, आधार दोनों में एक है, तो एक नियम यहाँ पर बताया गया कि वो हो जाता है घटाना में, यानी कि 7 और माइनस 2 को आप घटा दीजिए तो हो जाएगा 7 से 2 घटेगा तो 5, बस ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से और हम करते हैं 10 घात 7 गुणे 10 घात 2 बटा 10 घात माइनस 4,
ये हो जाता माइनस का प्लस ही चार लिखो एक बार पहले सरल। अब इसको करना है तो देखिए 10 घात ये है दोनों, तो 10 की घात 7 और देखिए ये भी 10 घात है, ये भी 10 घात है, तो ये 7 ये दोनों गुणा में है, तो इसको जोड़ेंगे, इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, ये भाग में है, नीचे को हम भाग बोलते हैं, तो ये घटाएंगे मतलब 4 को घटाएंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा 10 की घात 7 में 2 गया 7 में 2 जुड़ा 9 9 में 4 जाएगा तो 5, ये आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और हम करते हैं, मैं केवल ये घातों घातों की चीज़ बता रहा हूँ, दशमलव से कोई रिलेटेड नहीं रख रहा हूँ इसको, ध्यान दीजिएगा बातों को, दशमलव से अगर रिलेटेड रखना है ना तो उसको आप देखिए, मेरी वीडियोज पड़ी हुई है 10 की घात से रिलेशन दशमलव का, तो उसको देखिए। अब यहाँ पर देखते हैं कि 10 घात यहाँ पर 12 है गुणा 10 की घात यहाँ पर 10 है और बटा यहाँ पर 10 घात 2 है गुणा 10 घात यहाँ पर -3 है। थोड़ा डिफिकल्ट मैंने लिया ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए। जैसे देखिए यहाँ पर इन दोनों, ये दोनों गुणे में है, ये दोनों गुणे में है, जो गुणे में होते हैं उसको जोड़ लेते हैं, ऐसे कर सकते हैं। 10 की घात यहाँ पर आपका 12 है और ये -10 है, तो इस -10 को जोड़ेंगे तो माइनस में ही रहेगा, क्योंकि ये माइनस में रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो, तो इसको आप माइनस पहले से बना दीजिए। देखिए ये जोड़ ही रहे हैं लेकिन ये माइनस में होने की वजह से माइनस हो गया। नीचे बटा वाला काम इसी तरीके से करिए, ये 2 है तो ये भी प्लस माइनस इसी तरीके से हो जाएगा। अब आंसर इसका देखेंगे तो 10 की घात यहाँ पर 12 में से 10 गएगा तो आपको पता है 2 होगा, यहाँ पर आपका 2 में से 3 घटेगा नहीं तो -1 तो बचेगा ही, तो इस तरीके से 10 घात ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 10 घात 2 है, अब ऊपर है तो ये जाएगा तो पता है क्या होगा कि घटाना में होगा, ये क्या होगा घटाना में, ऊपर से पहले से भी घटाना में है और ऊपर से फिर से घटाना में जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 10 घात 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा 10 की घात यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ये रहा 10 का आपका एक छोटा सा नमूना, मैंने बताया कि 10 घातों को कैसे आपस में इधर उधर ऊपर नीचे किया जाता है, तो ये होगा। और ये कॉन्सेप्ट से है, ये कॉन्सेप्ट से है, ना कि कोई ट्रिक ना कोई काटा मैंने काटा वटा वाली चीज़ कोई भी नहीं, ये ट्रिक से है, सॉरी ये बेसिक से है, कॉन्सेप्ट से है, इसी तरीके से आपको सीखना चाहिए सारी चीज़ें। और जो कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करना है। वैसे भी एक हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट लगी हुई है, उसको आप एक बार विजिट करिए, चेक करिए, तो आपको मज़ा आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, कमेंट तो ज़रूर करना है, जैसे कि हमें एक सजेशन मिल जाता है कि हमें कैसे वीडियोज बनानी है, तो ज़रूर इस पर कमेंट करना है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप सभी ज्वाइन कर लीजिए और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल का नाम है, आपको प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस चैनल को भी सपोर्ट करिए। तो कमेंट करना कौन सी वीडियो चाहिए, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड